एक शेर की, जो चाहते हो सो कहते हो, चुप रहने की लज्जत क्या जानो। जो चाहते हो सो कहते हो, चुप रहने की लज्जत क्या जानो। ये राजे मोहब्बत है प्यारे, तुम राजे मोहब्बत क्या जानो। और इसी के साथ मैं आवाज़ देना चाहूँगा रमाकांत भाई आए और जोरदार तालियों के बीच। सबसे पहले तो मैं हिंदी को प्रणाम करता हूँ, कविता को प्रणाम करता हूँ। मैं गीत का विद्यार्थी रहा हूँ और ऐसे अवसर के लिए मैं सोल टॉक और नव भारत निर्माण समिति को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ मुक्तक सुना के मैं गीत सुनाऊंगा। लिखा था कि तेरे आने की हसरत में खुशी के गीत गाएंगे, तेरे आने की हसरत में खुशी के गीत गाएंगे, जो आ जाए तो गीतों को हकीकत हम बनाएंगे। मेरी चाहत मेरे महबूब मेरे हमदम मेरे साथी, तेरी एक मुस्कुराहट पे हम अपनी जान लुटाएंगे, तेरी एक मुस्कुराहट पे। लिखा था कि हमें यूं छोड़ करके बेसहारा कर न पाओगी, हमारी कुर्बतों से यूं किनारा कर न पाओगी। ये आदत है बुरी यूं खाम खाही रूठ जाने की, पर मैं जब याद आऊंगा गुजारा कर न पाओगी। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत शानदार है, बहुत सुंदर। और सुनिएगा, गा के सुनाता हूँ अभी अभी। तुम्हारी याद को ही गीत लिख रहा हूँ मैं, वाह वाह हुआ जो तुझसे वही प्रीत लिख रहा हूँ। वाह, क्या कहने, क्या कहने भाई। तुम्हारी और मेरे बीच की लड़ाई में फकत तेरी ही क्यों जीत लिख रहा हूँ। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत। चूंकि दोस्तों लड़के जो है मोहब्बत में जानबूझ के हार जाते हैं और लड़कियों को गलतफहमी होती है कि हमारी जीत हुई है, तो मैं लिखा था कि तुम्हारी और मेरी बीच की लड़ाई में फकत तेरी ही क्यों जीत लिख रहा हूँ मैं। मेरे एक हार पे ही, बस एक हार पे ही, हाँ एक हार पे ही हक तो जता दो जाना। तुझे भी प्यार है तो खुल के बता दो जाना, तुझे भी प्यार है तो खुल के बता दो जाना। चूंकि लड़कियां चाहती हैं पर बताती नहीं हैं, उन्हें भी प्यार होता है पर जताती नहीं हैं। और एक गीत का एक बंद सुना के मैं एक मुकम्मल गीत सुनाता हूँ, फिर विदा लूंगा। लिखा था कि मिल जाएगा संसार प्रिय, कह दो कि हाँ है प्यार प्रिय, एक तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही इसका सार प्रिय। बस तेरे एक सम्मोहन पे, बस तेरे एक सम्मोहन पे तन मन घायल हो जाता है। ये नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ये नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। लोग कहते हैं इश्क मत करो, मोहब्बत मत करो। मैं लिखा था दोस्तों कि मैं इश्क के दर्द से गुजरना चाहता हूँ, मैं इश्क के दर्द से गुजरना चाहता हूँ, मैं टूट टूट कर बिखरना चाहता हूँ, बस एक बार तेरी नजरों से होकर मैं तेरे रूह में उतरना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। लिखा था कि एक तुझ में ही जी जाऊं मैं, हर जख्मों को सी जाऊं मैं, तेरे दर्द भरे हर आंसू का कतरा कतरा पी जाऊं मैं, तेरे दर्द भरे हर आंसू का कतरा कतरा पी जाऊं मैं, हंस हंस कर दर्द को पीने से मन प्यासा ही रह जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है, ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। मैं दिल में पीर लिए फिरता, आंखों में नीर लिए फिरता, राजा हूँ खुद की याद नहीं यादों में हीर लिए फिरता। और प्रेम की
की पराकाष्ठा देखिएगा भैया कि मैं दिल में पीर लिए फिरता, आंखों में नीर लिए फिरता, राझा हूँ खुद की याद नहीं, यादों में हीर लिए फिरता। और नदी के किनारे माँ सरस्वती ने, मैं घूमते हुए माँ सरस्वती ने मुझसे लिखवा लिया, सुनिएगा कि तेरी यादों की भटकन में, तेरी यादों की तड़पन में मेरा शुद्ध बुद्ध खो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है, ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। एक गीत मुकम्मल सुना के मैं विदा लूंगा। मैं इस बनारस की पावन धरती पे हूँ और एक गीत है जो दुनिया के सबसे दो बड़े आराध्य देवों पे है, भैया राम जी और कृष्ण जी पे, मैं उस सुना के विदा लूंगा। और इस गीत को सुनने के बाद देश के महनीय कवि शैलेश लोढ़ा सर ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, ये बहुत ही बड़ी, ये मेरे अंदर कुछ नहीं है, एक कविता की ताकत है जो उन्होंने मैसेज किया। मैं इस गीत को सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि तुझको ही यार लिखा हमने, तुझको इजहार लिखा हमने, बस एक दफा तुझको देखा पर सौ सौ बार लिखा हमने। इस नफरत के अंगार में भी संगार ही लिखते जाएंगे, हम दीवाने हैं दीवानों के प्यार ही लिखते जाएंगे, बहुत हम दीवाने हैं दीवान। और पहला जो बंद है भुवन मोहन कन्हैया पे है, सुनिएगा। कि मैं स्वप्न लिखूं उस कान्हा का जिसको राधा ने पाया है, मैं नयन लिखूं उस मीरा का जो झरझर नीर बहाया है। बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छा। मैं स्वप्न लिखूं उस कान्हा का जिसको राधा ने पाया है, मैं नयन लिखूं उस मीरा का जो झरझर नीर बहाया है। गर प्यार न हो तो फिर ना राधा कान्हा की दीवानी हो, गर प्यार न हो तो फिर ना मां मीरा की आंख में पानी हो। और कविता का प्रयोग देखिएगा कि अब हर दीवाने पन को भी, हर राधा के मोहन को भी, अब हर दीवाने पन को भी, हर राधा के मोहन को भी, इन पावन प्रेम प्रसंगों में त्योहार ही लिखते जाएंगे, हम दीवाने हैं दीवानों के प्यार ही लिखते जाएंगे। बहुत शानदार यार। और एक बंद है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को सबने देखा, उनके प्यार को दुनिया ने थोड़ा सा कम देखा, मैं उसको कविता बनाया हूँ, सुनिएगा। कि जब देख राम को उपवन में सीता कलियां चुनने आई, जब देख राम को उपवन में सीता कलियां चुनने आई, जब राज कुंवर का रूप देख कर मन ही मन में मुस्काई। और झगड़ा चल रहा था भारत जोड़ यात्रा में कि श्री राम या सिया राम या हे राम, मैं बताता हूँ कविता से, सुनिएगा। कि जब देख राम को उपवन में सीता कलियां चुनने आई, जब राज कुंवर का रूप देख कर मन ही मन में मुस्काई, बस राम लिखूं तो सिया बिना ए राम न पूरा लगता है, बस सिया लिखूं तो राम बिना ए नाम अधूरा लगता है। बहुत लिखूं तो सिया बिना ए राम न पूरा लगता है, बस सिया लिखूं तो राम बिना ए नाम अधूरा लगता है। वाह, क्या कहने भाई। और प्रेम का प्रतीक दोस्तों, हम उस ताजमहल को माने, हम उस दशरथ माझी के कार्य को मान सकते हैं, हम भगवान राम के कार्य को मान सकते हैं जिसने अपनी प्रेसी के लिए राम सेतु बना दिया। तब सुनिएगा कि जो राम सेतु बनवा डाले, बस सिया हेतु बनवा डाले, इन पावन प्रेम प्रसंगों में सत्कार ही लिखते जाएंगे, हम दीवाने हैं दीवानों के प्यार ही लिखते जाएंगे। बस एक बंद है कह के विदा लूंगा कि दुनिया भर में नफरत फैलाया जा रहा है, लेकिन कवि का काम है कि वो प्यार का बीज बोए, तो उसको सुनिएगा।
स्वागत। मैं इस बनारस की धरती से ईश्वर से निवेदन करना चाहता हूँ, माँ सरस्वती की आध्यात्मिक उपस्थिति में निवेदन करना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि इन आँखों में अंगारों को तुम कम कर दो मेरे भगवन। वाह वाह। इन आँखों में अंगारों को तुम कम कर दो मेरे भगवन। वाह। अब किसी की चाहत में पलकों को नम कर दो मेरे भगवन। वाह 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 वाह। अब इन बेचैन हवाओं में संचार प्यार का हो जाए। अब इन नफरत के भावों में हम बीज प्यार के बो जाएं। अब हर सीता को राम मिले, अब हर राधा को श्याम मिले। इन पावन प्रेम कहानी में त्योहार ही लिखते जाएंगे। हम दीवाने हैं दीवानों के प्यार ही लिखते जाएंगे। बहुत शानदार। चार पंक्तियां कह के विदा लूटता हूँ, सुनिएगा। कि दुनिया राम से पहले सीता क्यों कहती है, सुनिएगा। कि जो हर असहनीय पीड़ा को हंस हंस के सहती है, जो हर असहनीय पीड़ा को हंस हंस के सहती है, जो राजमहल में पली बढ़ी फिन वन में रहती है, और सिया त्याग उस राम त्याग पर सदा पड़ा भारी, इसीलिए दुनिया राम से पहले सीता कहती है, इसीलिए दुनिया राम से पहले। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, बहुत ही शानदार।